एक चीज मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा, आप रियल एस्टेट के व्यापार में हैं, लोगों से मिलिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। कई बार हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग एक लिमिटेड कुएं के मेंढक की तरह रह जाते हैं, हम लोग बस लिमिटेड लोगों से मिलते हैं, लिमिटेड लोगों से इंटरेक्शन करते हैं बस। मैक्सिमम लोगों से मिलिए, आपको पता चलेगा किस तरह के लोग हैं, किस तरह का व्यवहार है इनका, कैसे कैसे तरह के लोग होते हैं इस बिजनेस में। कोई छल कपटी भी होगा, कोई मकार भी होगा, कोई अच्छे भी होंगे, बहुत सज्जन भी होंगे, ठीक है। कई लोग पैसों को इंपॉर्टेंस देने वाले होंगे, कई लोग को इंपॉर्टेंस देने होंगे, कई लोग दोनों को सेम तराजू में तोलते होंगे। तो बहुत तरह के लोग आपको मिलेंगे इस बिजनेस में, तो मेक श्योर कि आप मल्टीपल लोगों के साथ मिलें, मल्टीपल लोगों से इंटरेक्ट करें, तभी जाके आप सीखेंगे कि किस तरह से व्यापार करते हैं। धोखा भी खाइए, धोखा खाओगे तभी आगे भी बढ़ोगे। फेलियर्स भी देखिए, ऐसा नहीं कि हमेशा आपको सक्सेस ही मिलेगी, फेलियर्स भी देखिए। जितना ज़्यादा आप लोगों से मिलेंगे, जितना ज़्यादा आप लोगों से इंटरेक्ट करेंगे, उतना ज़्यादा आपके जीतने के चांस सुनिश्चित होंगे लंबे लॉन्ग रन में, मतलब लंबी दौड़ पे, ऑन अ लॉन्गर टर्म आपके जीतने के चांसेस ज़्यादा होंगे अगर आप जितनी ज़्यादा फेलियर्स देखेंगे। तो फेलियर से मत घबराइए, मीट एज मच एज पीपल यू कैन, सो दैट योर चांसेस ऑफ विनिंग विल बी मोर। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।